हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अहमदाबाद से जयपुर फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए रेडी था, तभी एक उसके अंदर कबूतर घुस गया। कैसे घुस गया यही सब बात करूंगा वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही कोई वीडियो मैं लेके आता रहता हूं तो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, वीडियो को भी एक लाइक करिए और ये जानकारी दूसरों को जरूर शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आपको मैं पूरी जानकारी बताता हूं। तो फ्रेंड्स, बता देना चाहता हूं, अहमदाबाद से जयपुर आ रही गोएयर की फ्लाइट G8702 में शुक्रवार को टेक ऑफ के पहले कबूतर घुस गया और इधर उधर घूमने लगा। यह देखकर वहां मौजूद क्रू और यात्रियों में हलचल मच गई। बाद में फ्लाइट का गेट खोलकर कबूतर को निकाला गया। यात्रियों ने अपने मोबाइल फ़ोन में पूरे घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। इसके बावजूद फ्लाइट अपने निर्धारित समय 6:45 के बजाय 6:15 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुँची। अहमदाबाद से जयपुर आ रही इस फ्लाइट को शुक्रवार शाम करीब 4:30 पर एप्रिन पर लाया गया। एक एक यात्री फ्लाइट में बोर्ड हुए। जब फ्लाइट में सभी यात्री बैठ गए तो फ्लाइट के गेट बंद कर दिए गए। इसके बाद फ्लाइट शाम 4:50 पर टेक ऑफ के लिए रनवे पर आने ही वाली थी, तभी एक यात्री ने अपना हैंडबैग रखने के लिए फ्लाइट के लगेज सेल्फ को खोला, जिसमें से कबूतर निकला। कबूतर को फ्लाइट में देख सभी यात्री हैरान रह गए। यात्रियों ने हंगामा भी किया। क्रू मेंबर ने कुछ देर में यात्रियों को शांत करवाया। एयरलाइंस स्टाफ ने घटना की जानकारी तुरंत ग्राउंड स्टाफ को दी। इसके बाद फ्लाइट का गेट खोला गया। इसके बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद कबूतर को फ्लाइट से बाहर निकाला गया। हालांकि इस पूरी घटना ने एयरपोर्ट और एयरलाइंस प्रशासन के मेंटेनेंस सिस्टम की पोल खोल दी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ में। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए चैनल। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा।